और चलिए अब बात करते हैं कुछ जमीन लूट की। झारखंड में आदिवासियों की जमीन लूट की लंबी फेहरिस्त है, कहीं दबंगता से तो कहीं कानून की आंखों में धूल झोंक कर, तो कहीं सरकार और प्रशासन को पलीता लगाकर। आज कहानी हरमू नदी के किनारे बने शॉपिंग मॉल की दिखाएंगे। जमीन चोरी कर ली गई, जमीन लूट ली गई। रिपोर्ट देखिए। इस इमारत को गौर से देख लीजिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार आराम से। यकीन करना मुश्किल होगा कि इस इमारत के बनने में कानून, नियम, सरकार और प्रशासन की आंखों में धूल झोंका गया। राजधानी रांची के हरमू बाईपास पर बनी यह शॉपिंग मॉल के अस्तित्व पर सवाल उठ खड़ा हुआ है। पेंटागन के नाम से रांची में चर्चित ये शॉपिंग मॉल आदिवासी जमीन पर बना है, और वो भी प्रिंटिंग प्रेस खोलने के नाम पर। इस इमारत पर कई सवाल उठे और उसके बाद सीओ ने जो जांच रिपोर्ट दी है उसका मजमून ये है कि ये जमीन आदिवासियों को वापस मिलनी चाहिए। सरकार, प्रशासन और कानून की आंखों में कैसे धूल झोंका जाता है, हमारे पीछे खड़ी बड़ी इमारत इसकी गवाही दे रहा है। सरकार से, प्रशासन से प्रिंटिंग प्रेस खोलने की अनुमति लेकर जमीन पर कब्जा किया गया था, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस का कहीं अता पता नहीं। बाद की कहानी यह है कि इस जमीन पर बड़े इमारत, अपार्टमेंट और शॉपिंग मॉल खुल गए। अब हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले समझिए कि सीओ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा क्या है। 1945 में इस भूखंड को जमींदारों ने सरेंडर कर दिया। बाद में इसकी जमाबंदी रोजित मियां के नाम से कर दी गई। हरमू रोड विस्तारीकरण के लिए लगभग 66 डिसमिल जमीन सरकार ने ले लिया और उसका मुआवजा भी रोजिंद मियां ने लिया। बाकी के 49 डिसमिल जमीन पर असली खेला शुरू हुआ और 49 डिसमिल की जगह 83 डिसमिल जमीन रांची इंटरप्राइजेस को बेच दी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कब्जाधारी गलत डीड का सहारा लेते हैं। इस आदिवासी जमीन पर 2008 में प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए जमीन का हस्तांतरण हुआ, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस की जगह शॉपिंग मॉल बना दिए गए। CNT SPT एक्ट के धारा 49 का उल्लंघन करके सारा खेल हुआ। पैसों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। सीओ की रिपोर्ट कहती है कि खाता संख्या 33 प्लॉट नंबर 591 की ये जमीन गलत तरीके से हड़प ली गई। आइए अब आपको समझाते हैं कि गड़बड़ियां हुई कहां। भूखंड भाजपा नेता अजय मारू, प्रिंस आजमानी और मोहम्मद इनामुल हक के नाम से हस्तांतरित हुई। यहां प्रेस स्थापित करने और अखबार खोलने के लिए जमीन ली गई। प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए आदिवासियों से जमीन ली गई। जिस जमीन का मुआवजा ले लिया गया उसे रोजित मियां ने बेच डाला। 49 डिसमिल जमीन की जगह 83 डिसमिल जमीन का वारा न्यारा हुआ। मूल जमीन का खतियानी रैयत चिंगिया उरांव के नाम से दर्ज। सीओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लगभग 30 डिसमिल जमीन पर अतिक्रमण है। भू राजस्व विभाग को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि यह जमीन खतियानी मालिक वापस कर देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो ये जमीन भू राजस्व विभाग कार्रवाई करते हुए सरकार की संपत्ति घोषित करे। चूहे को जब हल्दी की गांठ मिल जाती है वह खुद को पंसारी समझने लगता है। शहर के तीन बड़े लोगों ने कुछ ऐसा ही किया। अब प्रशासन ने सख्ती दिखाई है, फाइलें भू अर्जन अधिकारियों के पास भेज दी गई है। देखना दिलचस्प होगा कि सूबे की नई सरकार ऐसे बिल्डर, ऐसे लोगों पर कब तक कार्रवाई कर पाती है। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।